हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह के 6 बजे से। तो गाइस, मैं करने जा रहा हूँ अपनी हिस्ट्री स्टार्ट। गाइस, हिस्ट्री करेंगे हम चैप्टर नंबर 1, क्योंकि गाइस हमने पहले बहुत बार चैप्टर नंबर 1 कर लिया, बट हम वापस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमारे यूटी में आ रहा है चैप्टर नंबर 1, तो करते हैं रिवाइज। तो गाइस, अभी मैं पढ़ रहा हूँ अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो गाइस, हिस्ट्री में पता है क्या होता है, हिस्ट्री में जब ना हम एनसीईआरटी अपनी रीड करते हैं, तो ना एनसीईआरटी रीड करने का बहुत बोरिंग सा लगता है, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता। इसलिए गाइस, हिस्ट्री में एनिमेशन ने मेरे को बहुत हेल्प करी है और आपको भी बहुत हेल्प करेगी एनिमेशन वीडियो। तो गाइस, अभी एनिमेशन करते हैं और अपना शॉर्ट नोट्स आपको दिखा दूंगा बाद में। तो गाइस, जैसे कि मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आपको दिखा देता हूँ। तो ये अपना यूरोप नेशनलिज्म, मतलब मैं इतना वो नहीं लिखता, मतलब इसको इतना डिटेल में शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर अपनी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने ट्रीटी ऑफ वैना लिख रखा है और ये देखो इतनी सारी चीज़ें, वैसे भी मजे नहीं के पॉइंट। एज ऑफ रेवोल्यूशन में जैसे मैंने 3 पॉइंट लिख लगे हैं, मुझे इन तीनों के बारे में सब कुछ पता है। और गाइस, देख सकते हो मैंने इकोनॉमी हार्डशिप में 3 चीज़ लिखी थी बस, और देख सकते हो जर्मनी यूनिफिकेशन और इन तीनों यूनिफिकेशन में मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा, मतलब छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है। सो गाइस, अभी 7:30 बज रहे हैं और हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है ख़त्म। तो देख सकते हो अभी धूप निकल चुकी है एक तरफ से, और गाइस देख सकते हो एक तरफ गाइस पूरा पीछे पीछे मेरे पूरा बादल है, और गाइस पता नहीं क्या हो सकता है, बारिश होगी कि मौसम अच्छा होगा। तो अभी तो मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ रखी है गाइस 1-2 दिन की, मंडे से हमें स्कूल जाना है और हमारे ट्यूजडे से गाइस यूटी स्टार्ट है। तो अभी देखता हूँ क्या सिचुएशन है। तो गाइस, अभी खाना खाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइज, अब करता हूँ अपने इंग्लिश स्टार्ट। गाइज, इंग्लिश में करेंगे द थीफ स्टोरी। गाइज, मैं इंग्लिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यूटी में आ रहा है, और गाइज मैं ये वाला चैप्टर रीड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रीड करोगे ना, तो आपको मेन मेन पॉइंट मिल जाएंगे, उस पॉइंट को मिला के आप बड़ा सा आंसर बना सकते हो खुद से। तो गाइज, इसलिए रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, और गाइज लाइन टू लाइन रीड करने से हमें सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि स्टोरी में है क्या। सो गाइस, अभी मैं इंग्लिश करने के बाद हो गया था फ्रेश, तो अब करने जा रहा हूँ अपनी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो गाइस, अभी ट्यूशन में मेरे वही चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी रिवीजन कर रहा हूँ, उसको रीड कर रहा हूँ। गाइस, एनसीईआरटी रीड करते हैं अभी। गाइस, अभी तो मैं अपना साइंस का सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 अपना रीड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये मेरे ट्यूशन में चल रहा है, और ट्यूशन में जो चलता है वो घर पे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, चैप्टर नंबर 2 में मैंने नोट्स बनाए थे, ट्यूशन वाली दीदी ने नोट्स बनवाए थे, तो उन्हें ही रीड कर रहा हूँ। और गाइस, मैं इनको ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक कॉपी में, ताकि हमें सारा चीज़ें याद रहे, क्योंकि गाइस इसमें केमिस्ट्री में क्या है ना, केमिकल इक्वेशन है बहुत सारी, इनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए गाइस इसको रिवीजन बहुत बार करना पड़ता है। सो गाइस, अभी हमारा हो चुका अपना साइंस खत्म। तो गाइस, मैंने बीच में रेस्ट कर लिया था और 5 बज चुके हैं। गाइस, मैं जा रहा हूँ अपना ट्यूशन से आके मिलता हूँ। सो गाइस, अभी आ चुका मैं अपने ट्यूशन से, तो करने जा रहा हूँ गाइस अपनी आईटी की बुक स्टार्ट। मतलब जब से गाइस क्लास 10th स्टार्ट हुई है, जब से हमने आईटी की बुक एक भी बार छुई नहीं है, अब पहली बार पढ़ रहा हूँ गाइस बहुत दिनों बाद अपनी आईटी, देखता हूँ समझ में आती है कि नहीं। गाइज, मैं कर रहा हूँ अभी अपना आईटी। गाइज, आईटी ना मेरे को इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, सारे सब्जेक्ट में से आईटी सबसे बोरिंग लगता है। मतलब आईटी की जगह मैं हिंदी पढ़ लूँगा, इससे अच्छा मुझे हिंदी अच्छी लगती है आईटी के मुकाबले, बट आईटी पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए गाइज अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे आईटी में, जितना ही पढ़ रहा हूँ मैं वो तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज यूटी में आने वाला आईटी, तो मैं जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ। तो गाइज, अभी हमने कर ली अपनी आईटी की बुक खत्म। गाइज, आईटी में ना हमें कुछ समझ में नहीं आया, मतलब जो भी हमने पढ़ा ना टॉपिक, तो एकदम सर के ऊपर से जा रहा था। तो गाइज, देखता हूँ समझ में नहीं आ रहा है, अभी बहुत दिनों बाद पढ़ी है, तो अच्छे से पढ़ूंगा बाद में। तो गाइज, अभी ये हमारा लास्ट सेशन बचा है अभी जीके वाला, तो ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, मतलब छोटा सही है। तो गाइज, अभी करते हैं अपनी जीके स्टार्ट। तो गाइज, आज मैंने करा अपना जीके में ज्योग्राफी वाला पार्ट। गाइज, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टेड चीज़ें, जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, और गाइज यूनिवर्स के बारे में जाना, मतलब कितने बिलियन स्टार होते हैं, और सोलर सिस्टम के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी यूनिवर्स के बारे में, तो अभी इसको पढ़ते हैं। सो गाइज, अभी हो चुका हमारा जीके एंड। तो गाइज, अभी आज का व्लॉग बस इतना ही। गाइज, आप लोगों को कंटिन्यू व्लॉग मिल जाएंगे शायद मंडे से, क्योंकि गाइज यूटी स्टार्ट हो जाएंगे। यूटी में गाइज छोटा छोटा व्लॉग बना पाऊंगा 2-3 मिनट का, क्योंकि यूटी में गाइज एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा हमें पूरा दिन, क्योंकि जल्दी जल्दी यूटी है ना, अगले दिन, इसलिए गाइज थोड़ा छोटा व्लॉग होगा, कोई बात नहीं। बट गाइज, वीडियो करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।